अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद अच्छे होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ मेथी की मटरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मैदा लिया हुआ है मैंने 500 ग्राम। इसमें सबसे पहले डाल देंगे, ये है काली मिर्च दरदरा किया हुआ, आधा चम्मच लिया मैंने, ये डाल देंगे इसके अंदर। काली मिर्च बारीक नहीं लेना है, इस तरह से दरदरा लेना है। इसमें स्वाद इसका बहुत ही अच्छा आता है, टेस्ट जो है। ये आधा चम्मच लिया मैंने अजवाइन, इसको हाथों में रख करके इस तरह से क्रश करके डालेंगे। आधा चम्मच लिया है, चौथाई चम्मच लिया मैंने बेकिंग पाउडर, चौथाई चम्मच लिया मैंने बेकिंग सोडा। ये दोनों चीजें ली हमने, इससे क्या खस्ता और टेस्टी बनेगा, कुरकुरा बनेगा बिल्कुल। और ये लिया है मैंने 3 चम्मच भर के कसूरी मेथी, ये डाल देंगे सारा इसके अंदर। नमक डालेंगे हम इसमें टेस्ट के हिसाब से, नमक थोड़ा ज्यादा ही होना चाहिए मटरी के अंदर। सबको पहले हम मिला लेते हैं। ये लिया मैंने देसी घी, 4 चम्मच देसी घी लिया मैंने, ये डाल देंगे इसके अंदर। थोड़ा सा रख लिया हमने, आप इसको रिफाइंड में ही बना सकते हैं, रिफाइंड तेल जो आपको पसंद हो उसमें बना सकते हैं। इसमें थोड़ा टेस्ट बन जाता है इसके अंदर, ये है कि देसी घी से थोड़ा सा टेस्ट अच्छा आता है, रिफाइंड में ही बहुत अच्छा बनता है ये। आप इसको रिफाइंड में ही बना सकते हैं, इसको आप किसी भी तेल जो तेल आप यूज करते हैं उसमें बनाकर खा सकते हैं इसको। लेकिन देसी घी से जो है इसका टेस्ट बहुत ही अलग आता है, अच्छा टेस्ट आता है इसका। चलिए इसको मिला लिया है मैंने, हम इसको अच्छे से हाथों से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, खूब अच्छे से इसको मिलाएंगे हम। चलिए देखिए, सबको हमने अच्छे से मिला लिया है इस तरीके से। ये देखिए जो हमारा इस तरह से ये मुट्ठा जो ये बन रहा है, इस तरह से देखिए ऐसे बन जाना चाहिए। 4 चम्मच मैंने भर भर के घी लिया है, तो इसी तरह से ले ले। चलिए इसमें डालेंगे पानी, इसको हम अच्छे से मिलाएंगे, हम इसको गूदेंगे नहीं, सिर्फ मिला करके अच्छे से रखना है इसको। जब भी हमारा जो मटरी बहुत ही खस्ता बनेगा, ये थोड़ा सा पानी मैंने और लिया है, इसको हम इस तरह से गूद लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने इसको अच्छे से मिला के इसको रख लिया है। आटे को बहुत अच्छे से पहले मिला लेना है, फिर इसको इस तरह से गूद करके, आप इसको इस तरह से गूदना नहीं है, सिर्फ मैंने मिलाया है, सबको इकट्ठा कर लिया है। अब हम इसको रख देंगे 15 से 20 मिनट के लिए, हम इसको रखेंगे ढक करके। चलिए 20 मिनट हो गया है, देख लेते हैं। देखिए इसको इस तरह से दबाव मिला लेंगे। चलिए हम ले लेंगे छोटे छोटे पेड़े ले लेंगे, बिल्कुल छोटे छोटे लेना है, इससे भी छोटा लेना है, देखिए छोटे छोटा लेना है बिल्कुल। इस तरीके से इसको इस तरह हम करके, देखिए इस तरह से हमने बना लिया है इसको। आप हथेली से इस तरह से यहाँ से भी आप इसको दबाकर इस तरह से बना सकते हैं। ये देखिए इस तरह सारा मैंने बना लिया है, सारे पीस मैंने इस तरह से बना लिए हैं सब एक साइज के। ये देखिए मैंने गैस ऑन किया हुआ है, तेल हमारा ये गर्म हो रहा है। चाहे तेल हमारा गर्म हो गया है, लेकिन इसको हल्का ही गर्म रखना, ज्यादा तेज गर्म नहीं होना चाहिए, हल्का गर्म होना चाहिए। तो हम हल्के गर्म में इसको रखेंगे, डालेंगे इसके अंदर। ये देखिए देखो हल्का गर्म है, ज्यादा गर्म नहीं है, इसी तरह से हम इसके अंदर सबको डाल देंगे। चलिए जितना इसका कढ़ाई में आ जाएगा उतना ही हम डालेंगे, इसी हिसाब से डालना है इसके अंदर, नहीं तो टूट जाएगा ये। चलिए सब इसको डाल दिया है, गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखना। जब ये ऊपर आ जाएगा हल्का सा, जब हल्का हल्का जब ब्राउन होने पे आ जाएगा, तो थोड़ा सा गैस का फ्लेम थोड़ा सा हाई कर देंगे, मीडियम हाई पे। चलिए ये देखिए सब अपने आप ही ऊपर तैरने लग गया, सारे ऊपर आ गए इस तरीके से, बहुत ही खस्ता बनता है ये। चलिए हम इसको पलट देंगे सबको, इस तरीके से पलट दिया हमने, अभी अभी सीखा नहीं है, हल्का हल्का इसको ब्राउन होने देंगे हम सबको, इस तरह से सब पलट देंगे। ये देखिए सबको हमने पलट दिया है, अब इसको हम 2 मिनट और हम इसको इस तरह से पकने देंगे। चलिए हम इसको देख लेते हैं, देखिए हल्का हल्का ब्राउन होने पे आ गया है, थोड़ा सा हम इसको मीडियम फ्लेम पे कर देंगे, इसको मीडियम हाई पे देंगे, थोड़ा सा इसको लाल करके इसको निकाल लेना। अब ये देखिए हो चुका है ये, अब हम छवि को इस तरह से निकाल लेंगे। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया इसका, सभी को हमने निकाल लिया, बाकी सारे पीस हम ऐसे ही बना लेंगे। कितना अच्छा कलर आया ना, बिल्कुल देखने में खस्ता लग रहा है बिल्कुल। ये देखिए मेथी मटरी बनकर तैयार हो गया है। तो इसी तरह से बनाइए, झटपट बना करके आप चाय के साथ खाइए इसको, बहुत ही टेस्टफुल लगता है खाने में ये, और बहुत ही क्रिस्पी होता है। देखिए दिखाती है, इस तरीके से देखिए कितना बिल्कुल क्रिस्पी है। ये देखिए
तो इसी तरह से बनाइए आप, बहुत ही अच्छा, बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। और चाय के नाश्ते में चाय बनाइए, उसके साथ खाइए, और जब भी भूख लगे आप दो पीसेस में से निकाल के खाइए, चाय पीजिए। तो इसको आप बना करके स्टोर करके भी इसको आप रख सकते हैं 15 दिन महीने दिन। तो इसको आप बना करके इसी तरह से रखिए और खाइए, सभी को खिलाइए। तो इसी तरह से बनाइए। मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।